अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ुल्करनैन मोटर व्लॉग। तो आज हमारे पास CB150F 2023 मॉडल जो कि न्यू शेप के साथ आया, इसे 2024 भी कहा जाता है। और हमारे अहमद भाई ने ये बाइक पहली बार ली है 150cc कैटेगरी में। इनके पास पहले YBR भी था और YBZ DX भी इनके पास था। तो आज की वीडियो में इनसे पूछेंगे कि इनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और 150 के साथ ये हैप्पी हैं या इनको कोई फॉल्ट वगैरह या कोई भी इनको प्रॉब्लम है, तो ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की वीडियो एक हमारा ओनर्स रिव्यू है ताकि जो लोग CB150F परचेज़ करना चाहते हैं तो वो इजी परचेज़ कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम ज़ुल्करनैन भाई। मेरे ये मशवरा था, बल्कि मेरे दोस्तों का भी ये सवाल था, जो मतलब मैं 150 का एक बाइक लेना था, GS की तरफ ही मैं जाता था ना, लेकिन मेरा एक दोस्त ने और सब ने ये मशवरा दिया, क्योंकि मैं ख़ुद अपने पाकिस्तान और जो मतलब हमारे पाकिस्तान है दुनिया में भी जो खूबसूरती है, अच्छा, तो मतलब हमारे पाकिस्तान में भी है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूं और इसमें अच्छी तरह मतलब घूमूं। तो मुझे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की, जो भाई मतलब आप लेना भी चाहते हो तो CB ले लो, क्योंकि CB इस तरह है जो बलूचिस्तान में भी चलता है और मतलब हर तो सुबह में तकरीबन हर रिसेल भी है, हर जगह तकरीबन होंडा जो है ना चलती है, इसलिए तो मैंने ये सोच किया CB लेने के लिए। और मेरा ये इरादा है जो मतलब इसमें मुकम्मल पाकिस्तान टूर करूँ इंशाल्लाह। और मैं इधर, अच्छा अहमद भाई, पहले तो हर बाइक में खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। आपने 2023 शेप लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप ये बताएं कि आपको सबसे पहले शेप कैसा लगे और दूसरा आप इसकी खूबियाँ भी बयान करें और खामियाँ भी बयान कर दें, ताकि जो हमारे व्यूवर्स लेने वाले हैं तो वो आपकी वीडियो देख के ईजी रह जाएँ। देखो, शेप की अगर बात की जाए तो मैं पहले सिल्वर की मतलब उसमें मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था ना, हाँ स्पेशल एडिशन, तो उसके बाद ब्लू आ गया, तो मेरा ब्लू का भी मतलब शौक था जो मैं ब्लू ले लूं। लेकिन ब्लैक मुझे इस तरह, जब मैंने उधर शोरूम पे देखा बाइक करने के लिए, तो ब्लैक मुझे पसंद आया, क्योंकि ये ब्लैक था तो मेरा मतलब इरादा था जो मैं इसके साथ सब कुछ ब्लैक कर लूँ, और मतलब इसके साथ जो मेरा मतलब मॉडिफिकेशन हो तो सारा ब्लैक हो, तो मतलब और भी खूबसूरत लगेगा। और ब्लू भी अच्छा है, सिल्वर भी अच्छा है, मतलब रेड भी अच्छा है, लेकिन ब्लैक मुझे खुद ही पर्सनल पसंद आया। और मेरे दोस्तों ने भी मतलब मुझे ये मशवरा दिया कि आप जो है ना ब्लैक ले लें, क्योंकि ब्लैक में मैंने आपको बताया जो मैं मतलब हर चीज़ में ब्लैक इजी ले सकता हूं। दूसरी बात, इसका इंजन और इसके टायर व्हील सभी चीज़ें इसके ब्लैक हैं, तो इसलिए मैंने जो यही सोच किया कि मैं ब्लैक ले। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को इसकी खामियाँ और ख़ूबियाँ भी बता दें कि क्या इसमें आपको ऐसे लगता है कि यार ये चीज़ अगर ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता, और क्या चीज़ इसकी ज़्यादा पसंद आई है? देखो, इसमें अगर है तो सब कुछ, क्योंकि ये फैमिली बाइक तो नहीं है, मतलब एक टूरिंग हिसाब से, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो मतलब बहुत ही, यानी कि इससे अगर अच्छे बाइक लें तो बहुत ही कीमत है ना, तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी कोई कमी नहीं लगी, बस कुछ चीज़ इसमें है जो मतलब बाकी बाइक्स डिफरेंट हैं, लेकिन वो मैं ये सोचता हूँ जो हर बाइक में हर कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है, कमी होती है बिल्कुल, हाँ, जो भी बाइक वो तो पूरे नहीं होते, लेकिन बहरहाल अच्छी है अगर मतलब कीमत के हिसाब से देखें तो थोड़ा मतलब वो है, लेकिन बस गुजारा है, अच्छी है। मेरा उम्मीद है जो मेरे पाकिस्तान के टूर के लिए बेस्ट है। जी, आप यानी कि आप कहते हैं कि टूर करेंगे तो आपको तब इसके एक्सपीरियंस का जाके पूरा पता चलेगा। और इसकी कुछ खामियाँ भी बता दें जो चीज़ आपको अच्छी ना लगी हो। अच्छी तो मुझे ये लगी है, क्योंकि इसमें अभी मैंने वाइज़र मतलब खुद ही इंस्टॉल किया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ, मैं इसमें मतलब वाइज़र के लिए बहुत सोचता रहा, जो मैंने इसको मतलब बनवाने के लिए भी लाहौर में उधर कराची में मैंने रब्ता किया, तो वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार की कीमत वो बता रहे थे जो इसके हैं, क्योंकि ये जब इसके साथ बाइक लगते हैं तो वो आगे से बहुत नीचे लगती है, और इसका यही भी इशू है। और दूसरी बात, इसमें अगर मतलब जो, क्योंकि मोटरसाइकिल कीमत भी अच्छा है, इसके साथ अगर टायर का भी बात की जाए तो टायर इसके आगे वाला टायर जो है थोड़ा सा स्लीपी है, मैंने इसके चेंज करना है। अच्छा, हाँ, वो स्लीप थोड़ा करता है आगे वाले डिस्क ब्रेक में। बाकी वैसे मैं अगर टूरिंग करूँगा तो मुझे यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे और दोस्त हैं जिन्होंने टूरिंग की है तो वो कह रहे हैं भाई फ़िलहाल मतलब अच्छी है, सिर्फ इसके टायर का और जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसका वो है, लेकिन मुझे लगता है जो मतलब अच्छी चलेगी।
अच्छा, और आप ये बताएं, आपने बड़ी ही प्यारी मॉडिफिकेशन की है, और ये जो आपने फ्रंट स्क्रीन लगाई है मैंने CB 150 में अभी तक नहीं देखी, इतनी खूबसूरत। अब व्यूवर्स ये भी पूछना चाहेंगे कि यार इसकी प्राइस क्या है, आप एक ही चीज़ की हमें प्राइस बताते जाएं व्यूवर्स को, ताकि उनके लिए आसानी हो। और ये कहाँ से आपने परचेज़ की और कैसे आइडिया आया आपको? ये तो मैंने वही VR के लिए मंगवाई थी, तो लेट हो गई दराज से। अच्छा, तो फिर मैंने जो है ना, मतलब वो इधर से दूसरी बाई कर ली, ये फिर लेट हो गई, फिर भी ये पहुंच गई, तो मैंने फिर रखी थी। बस अचानक से ऐसे सोच आया तो इसको मैंने ऊपर लगाया तो मुझे खूबसूरत लगी। अच्छा, तो मैंने जो है ना इसको इंस्टॉल कर दिया, नहीं तो पहले इसका मेरा सोच था कि मैं इसको बनवाऊँ। इसकी प्राइस भी बता दें। हाँ, ये मुझे 2300 की मिली है डिलीवरी के बाद, तकरीबन 100 रुपये 400 2400 तकरीबन डिलीवरी के साथ मिले हैं दराज से। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये तो आम चीज़ें हैं, जैसे ये 3300 रुपये के मिल जाते हैं, सीला बॉक्स 8000 रुपये की डिलीवरी के साथ पड़ जाते हैं, और ये JDR बॉक्स जो है वो भी 10000 के करीब पहुंच जाता है। तो बाकी आप, अच्छा ये बताएं, आपको इसकी पर लीटर फ्यूल माइलेज क्या मिल रही है? फिलहाल तो हमें पक्का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे तकरीबन 40 मैंने उस टाइम अंदाज़ा किया था। एक छोटा सा मैंने जब रनिंग इसकी पूरी कर रहा था तो मैंने एक टूर लगाया था और मैंने इसके पेमेंट चेक की थी, तो तकरीबन 40 लगभग दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब है कि आप थोड़ा सा ये भी व्यूअर्स को बता दें कि क्या आपने ये जो फैसला किया है आप इससे हैप्पी हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी हैप्पी हूँ, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में कोई और ऐसा नया बाइक नहीं आता तो फिलहाल मेरे लिए मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में अच्छा है, अच्छे चले इनका, सही चल रहा है। अच्छा, आप एक अहमद भाई एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, आपको 150 सीसी में GS भी मिलता था, आपको बेनेली के बाइक्स में मिलते थे, तो आपने CB क्यों चॉइस किया, इसकी वजह भी बता दें। बिल्कुल, मुझे GS का भी ऑप्शन था, GR का भी था, और मतलब क्योंकि YBR तो मैंने पहले सुना कि वो तो 150 में नहीं था। हाँ, उसके तो अंडर पावर है। CB मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं ज़्यादातर बलूचिस्तान एरिया और तकरीबन KBK के एरिया ये एक्सप्लोर करता हूँ ना, तो कराची में तकरीबन इसके GS चलते हैं, पंजाब में बहुत चलते हैं, तो मुझे दोस्तों ने और ये सारा मशवरा दिया कि आप CB की तरफ आएँ, क्योंकि CB के पार्ट्स भी इजी अवेलेबल होंगे हर जगह पे। दूसरी 125 तकरीबन हर इलाके में चलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूँ। दूसरे ऐसे कोई दोस्त हैं जो मतलब अभी ईरान और अफगानिस्तान भी गए हैं, तो उन्होंने भी मुझे ये सजेशन दी, उसने कहा भाई आप CB ले लें, क्योंकि वो अगर आपका इरादा बन गया और तरतीब बन गई अफगानिस्तान या ईरान की तरफ, तो मतलब उधर भी इसके जो है ना पार्ट्स इजी अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग ये बाइक लेना चाहते हैं तो ये इस ओनर रिव्यू से उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आज की वीडियो के साथ इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।